आइए शुरू करें। चलो देखो, माथुर सर क्लासेस डायरेक्ट टैक्स चला रहे हैं और उसके अंदर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी फिनिश्ड, रेसिडेंशियल स्टेटस भी फिनिश्ड, बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। और अभी हम लोग आप लोगों को सैलरी सिखा रहे हैं, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमेशा याद रखेंगे कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें एक बड़ा सवाल आता है और दो छोटे सवाल आते हैं। ये जो छोटे सवाल आते हैं वहां पर कैलकुलेशन होगा कम्यूटेड पेंशन का, जो कि हम सिखा चुके हैं। एचआरए बड़ा सवाल का एक पार्ट है, यानी बड़ा सवाल वही बना पाएंगे जो एचआरए बढ़िया से सीखेंगे, हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10(13)(a)। अभी तक जो चैप्टर हमने किया, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, डायरेक्ट टैक्स ओरली करवाएंगे, वो हम लोगों ने आपके साथ बखूबी यहां तक पहुंच चुके हैं। रह गया सैलरी, तो आप लोग में से काफी लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे कि देखते हैं सैलरी कैसे करवाएगा ओरली, बट वो भी आपने देखा कि ओरली ही हो रहा है। देखो, हाउस रेंट अलाउंस में आप देखना कि हाउस रेंट अलाउंस कितना रिसीव्ड हो रहा है। अगर एक साथ दे दिया 20,000, मतलब वो 20,000 लमसम है, और अगर 2,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ बोल दिया, तो 2,000 या 3,000 इंटू 12, और उस अमाउंट को हम लोग यहां पर लिखते हैं एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)(a) रूल 2A। हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं हम और आप, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकम टैक्स का बात है, जैसा लिखा रहता है वैसे ही लिखना पड़ेगा। बिंग लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये तीनों में जो कम होगा वही हमको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। पहला क्या है, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, जो वहां पर था वही अमाउंट यहां आएगा। रेंट पेड, हाउस रेंट अलाउंस क्यों मिलता है, अगर किसी कंपनी में आप काम करते हो, अगर कंपनी का क्वार्टर है तो वेल एंड गुड, आप क्वार्टर लेते हो। अगर क्वार्टर आप नहीं फैसिलिटी उसको यूज करना चाहते हो, उस परक्विजिस्ट को नहीं लेना चाहते हो, तो कंपनी आपको एक लमसम पेड कर देता है पर मंथ, और आप कहीं पर भी अपना भाड़ा पे ले सकते हैं, या फिर आपका अपना घर है तो कोई दिक्कत का बात नहीं, कंपनी एचआरए देता है। तो रेंट पेड क्या होगा वो हम लोग बात करेंगे, रेंट पेड नील हो जाएगा ना। तो खैर, अभी रेंट जितना आप पेड कर रहे हो दिया रहेगा, पर मंथ कितना पेड कर रहे हो, लेस 10% ऑफ सैलरी। ये जो 10% ऑफ सैलरी हाउस रेंट अलाउंस में, सैलरी का मतलब क्या होता है, यानी सैलरी का मतलब हर जगह अलग अलग होता है, ये बात का ध्यान रखना। यहां पर सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, BS बेसिक सैलरी। DA आप लोग स्टार क्यों बनाए, DA कभी हम लोग ले भी सकते हैं और DA नहीं भी ले सकते हैं, यानी DA आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपने को लेना है तो हम लोग एक नोट पुट करते हैं, इट इज एज्यूम दैट DA इज इंटर्ड इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर नहीं लेना है तो डज नॉट इंटर इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट। कमीशन पर मंथ वाला नहीं, परसेंट वाला, क्या लेना है, परसेंट वाला लेना है। ओके, तो सारा बात हो गया। सी नंबर में देखेंगे 40% और 50% ऑफ सैलरी। अब हम 40% कब लेंगे और 50% कब लेंगे, ये भी हम लोगों ने बात किया है। 40% हम लोग लेंगे अगर नॉन मेट्रो रहेगा और 50% मेट्रो में, ठीक है। तो आइए हम लोग एक सम्स आपके लिए करते हैं। देखो, मैंने पहले ही बोला कि जो बड़ा सवाल रहेगा, बड़ा सवाल, छोटा नहीं। तो आप बोलेंगे सर छोटा में क्या आएगा, अरे छोटा में आएगा ना कम्यूटेड पेंशन आएगा, लीव इनकैशमेंट आएगा, ग्रेच्युटी आएगा, लेकिन एचआरए और फर्निश अनफर्निश बड़ा सवाल का एक पार्ट है। तो आइए हम एक बड़ा सवाल से सिर्फ एचआरए का कैलकुलेशन कैसे होता है उसको हम आपको दिखाएं। आओ शुरू करते हैं। यहां पर इनकम फ्रॉम सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, बट हम लोग ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ एचआरए आपको निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, मिस्टर विश्वास इज एन एम्प्लॉई ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मिस्टर विश्वास को क्या क्या मिल रहा है, बेसिक सैलरी मिल रहा है 5,000 पर मंथ। यहां जरा देखिएगा आप लोग, बड़ा अच्छा लगेगा जब यहां पर आप देखेंगे बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है, तो 5,000 इंटू 12 60,000। अब लेकिन सर वो क्या कर रहे हैं, बाद में हमको निकालना ही पड़ेगा, तो पहले निकाल लेना पढ़ते हुए। डियरनेस अलाउंस, डीए, जिसको डीपी भी बोला जाता है, डियरनेस यानी
डियरनेस अलाउंस के जगह पे बोला जा सकता है, डीपी डीए, शॉर्ट में हम लोग डीए बोलते हैं, 500 रुपया पर मंथ, तो डीए हो गया 500 रुपया पर मंथ, तो 500 इंटू 12 करते। अब अगर कुछ नहीं लिखा रहता, अगर हम लोग लेते तो हम लोग एक को एक नोट पुट करना पड़ता, इट इज अज्यूम दैट डीए इज इंटर इंटू रिटायरमेंट बेनिफिट, और अगर नहीं लेते तो डज नॉट। बट यहां पर ब्रैकेट में कुछ बात बोला है, 50% ही रिटायरमेंट बेनिफिट है, यानी 500 रुपया पर मंथ जरूर मिल रहा है, लेकिन एचआरए के कैलकुलेशन के लिए जब सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा लेंगे 500 इंटू, टैक्सेबल होगा, क्योंकि आपको कंपनी से जो कुछ मिलता है वो डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाता है, और जिसमें अगर गवर्नमेंट ने कुछ छूट दिया हुआ है, एग्जेम्पशंस दिया हुआ है, तो उस पार्ट को हम लोग माइनस करके लिखते हैं। जैसे आपका मैंने लिखवाया था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, टू चाइल्ड, हॉस्टल अलाउंस, इस तरह से, ओके। तो अब हम डीए 500 है, उसका 50% 250 इंटू 12, एडवांस सैलरी इक्विवेलेंट टू वन मंथ बेसिक एंड डीए, तो 5000 रुपया बेसिक है और 500 डीए, ये एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी से कोई मतलब नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल रहा है 800 पर मंथ, कितना 800 पर मंथ, तो यहां जरा ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, 800 इंटू 12 कितना होगा बोलिए, तो 9600 हम लोग बीच में लिख दिए, ये देखिए ए नंबर हम 9600 लिख देंगे आराम से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 13% ऑफ सैलरी टू ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम एचआरए का कैलकुलेशन कर रहे हैं और एचआरए का कैलकुलेशन में जो जो चीज यहां जरूरत है वही लेंगे, और सैलरी का मतलब होता है बेसिक डीए एंड कमीशन परसेंट वाला, अगर कोई परसेंट वाला कमीशन रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह आएगा जरा आप लोग बोलेंगे, ही ऑल्सो रिसीव्ड कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन ए टर्न ओवर ऑफ ₹2,00,000 आएगा, यस आएगा, क्यों, परसेंटेज वाला कमीशन, तो 2% कमीशन किसके ऊपर लेंगे, तो 2,00,000 का 2% कितना होगा 4,000, यानी सैलरी मींस फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए, सैलरी मींस फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए इज 67,000। ही लिव्स इन ए रेंटेड हाउस इन कोलकाता, कोलकाता को आप सर्कल में लो, मेट्रो सिटी हो गया, एंड 900 पर मंथ पे कर रहे हो, कितना पे कर रहे हो 900 पर मंथ। अब जरा यहां देखो जी, रेंट पेड 900 पर मंथ, तो 900 इंटू 12, तो यहां पर हो गया 10,800, 10% ऑफ सैलरी 67,000 का 10% 6,000 माइनस करो, बाहर चला गया 4,100। यहां जरा ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ, 50% ऑफ सैलरी ऑफ रुपीज कितना 67,000, 67,000 का 50% कितना हुआ, क्या लिखा हुआ है, जो ये सभी में कम है, कम कौन सा है, इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी ने आपको 9,600 एचआरए दिया, हाउस रेंट अलाउंस दिया, उसमें से गवर्नमेंट 4,100 आपको एग्जेम्पशन कर दिया, छूट कर दिया, रिबेट हो गया, यानी आपको 5,500 टैक्सेबल हो गया, जो कि बाहर चला जाएगा। वेरी इजी, जितना मिलता है वहां लिखते हैं, फिर यहां पर लिखते हैं, एंड सो ऑन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको एक सवाल करवाया था, अभी फिर से हम लोग किए, ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है और ये टैक्सेबल है, जल्दी करिए, उम्मीद है आप लिख चुके होंगे। वापस फॉर्मेट आपके पास है एचआरए का, और कुछ बातें हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, और बड़ा ध्यान दीजिएगा इधर में, देखो अभी तक आपने देखा कि एचआरए कंपनी, मान लीजिए बातों को समझेंगे बहुत अच्छा से, आगे जब सवाल बनाने लगेंगे ना, बड़ा वाला सवाल, तो उसमें इस तरह से बोलेगा कि एक कंपनी है जिससे आपको एचआरए 2000 पर मंथ मिल रहा है, तो 2000 इंटू 12
यहां करूं क्या, 2000 × 12 दरकार नहीं है ना। तो वही हाउस रेंट अलाउंस यहां पर भी 2000 × 12, बट आपको बोलेगा वहां पर मेंशन किया हुआ रहेगा कि आप खुद के घर पे रहते हो या पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो नो डाउट रेंट पेड नील हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए सैलरी में खाली बेसिक सैलरी दिया हुआ है आपको 25,000 रुपया महीना, तो 25,000 × 12 300,000 हो गया। और मान लेते हैं डीए और कमीशन नहीं है, समझाने के लिए 10% ऑफ सैलरी 300,000 का 10%, हम यहां 300,000 नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखेंगे समझा रहा हूं मैं, तो 30,000 हमेशा याद रखेंगे, रेंट पेड नील है, नील में से 30,000 माइनस करेंगे, ये देखो नील में से 30,000 माइनस करेंगे, तो आप बोलेंगे सर यहां माइनस 30,000 लिखिए, नहीं लिखा जाता है माइनस, तो नील होगा, हमेशा याद रखेंगे नील होगा। जैसे टैक्स में एक बात समझो, 20,000 में हम बोलेंगे माइनस करो 18,000, तो 2,000 लिखेंगे, लेकिन अगर हम यहां पर बोलेंगे कि 20,000 है और यहां 25,000 माइनस करो, तो माइनस में नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नील, यानी यहां पर अब नील चला गया, यानी मतलब यह हुआ कि अगर आप खुद के घर में रहते हो या पेरेंट्स के साथ रहते हो तो रेंट पेड जैसे ही नील होगा ना, तो टोटल का टोटल अमाउंट ही टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि व्हिच एवर इज लोअर, इसमें से सबसे कम कौन सा है, नील होगा ना। और मान लीजिए बोल रहा है कलकत्ता में रह रहे हो या दिल्ली में रह रहे हो या मुंबई में रह रहे हो, तो 50% लेंगे मेट्रो सिटी के लिए, तो 300,000 का 50%, लिस्ट कौन है, तीनों में कम कौन सा है, नील, तो 24 में से नील गया तो 24 टैक्सेबल हो गया। तो आप क्या देखे ये दो सवाल में, उसके डिफरेंस को समझिए, एक में आपने देखा कि टोटल का टोटल आप रेंटेड हाउस में 12 महीना रहे, तब रेंट पेड यहां कुछ आ गया और उसमें से 10% ऑफ सैलरी आपने माइनस किया, कुछ अमाउंट आया, विच एवरेज लोअर आया। लेकिन अगर कोई बोलेगा सम्स में कि मिस्टर एक्स वाई जेड को 2,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, तो 24,000 एंड उसका सैलरी 25,000 है एंड वो मेट्रो सिटी में रहता है और रेंट नहीं पेड कर रहा है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, तो जब नील होगा ना, तो हमेशा याद रखेंगे, आगे देखेंगे आप कि एचआरए लिख के टोटल अमाउंट को टैक्सेबल कर दिया, तो घबराने का बात नहीं है कि सर ये तो फॉर्मेट बनाया नहीं, पूरा कैसे टैक्सेबल कर दिया, इसलिए पूरा टैक्सेबल कर दिया क्योंकि अगर पेरेंट्स के साथ रहते हो तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, यानी अगर आप अपने भी घर में रहते हो तो नील, विच एवर इज नील ही हमेशा आता है, समझ में आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए आप अपने घर में या पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, अप्रैल में रह लिए, मई में भी रहे, जून में भी रहे, जुलाई से आपका ट्रांसफर हो गया मान लीजिए कलकत्ता से दिल्ली, या कलकत्ता से मान लीजिए लखनऊ हो गया, पटना हो गया, कहीं पर भी हो गया, तो वहां जाके आपको भाड़ा में रहना पड़ेगा, तब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो 3 महीना अगर आप घर पे रहे हैं तो 3 महीना का तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, हो गया कि नहीं। तो हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे, यहां पूरा 12 महीना का लिख देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो क्या हुआ, 3 महीना और 9 महीना, 3 महीने का पूरा टैक्सेबल हो गया, 9 मंथ का सारा कैलकुलेशन होगा, तब सैलरी भी हम लोग 9 मंथ का ही लेंगे, रेंट हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड भी 9 मंथ का करेंगे, क्योंकि बाकी तो आपका पूरा टैक्सेबल हो जा रहा है। तो दो नहीं बनाइएगा, एक ही में बनाइएगा, यहां पर क्या होगा, सारा जितना दिन आप रह रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आप खुद के घर में रहे, अक्टूबर से आपका ट्रांसफर हो गया, तो मान लीजिए 24,000 का 12,000 तो फुली टैक्सेबल हो गया क्योंकि नील वाला बात आया, बाकी 12,000 जो 6 महीने का है वो सारे कैलकुलेशन 6 महीने का होगा, तब हम हाउस रेंट अलाउंस 24,000 नहीं लिखेंगे 12,000 लिखेंगे, रेंट पेड तो 6 महीने का ही होगा, 10% ऑफ सैलरी भी 6 महीने का लेंगे, 40% और 50% भी 6 महीने का लेंगे। तो इस तरह से जब बड़ा सवाल बनाएंगे तो 3 सिचुएशंस आपके सामने आ सकते हैं। एक सिचुएशन जहां पर 12 महीना का 12 महीना आप भाड़ा में रह रहे हो, पूरा का पूरा 1 प्रीवियस ईयर आप अपने घर में या पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, या पार्टली आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो और पार्टली आप रेंट पे रह रहे हो, ओके। तो आइए एक सवाल हम लोग देखते हैं पार्टली वाला। देखो यहां ध्यान से, मिस्टर अग्रवाल एन इंप्लाई ऑफ ए प्राइवेट फर्म, बढ़िया से समझेंगे, ड्रॉज ए सैलरी 20,000 पर मंथ। अब जरा ध्यान से देखना जी,
बेसिक सैलरी हम लोग 20,000 इंटू 12 करते कि नहीं, बट देखिए वहां पर क्या बोला है, हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो पे हिम हाउस रेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ, यानी 2,000 इंटू 12 24,000 यहां लिखेंगे, वही 24,000 हम लोग को यहां पर लिखना चाहिए, बट अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? आगे बोल रहा है, अंडरलाइन करना, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने तक, ही वॉज लिविंग इन हिज पेरेंट्स हाउस, पेरेंट्स के साथ थे तो 3 महीना आपको कुछ नहीं लगा। देयर आफ्टर ही वॉज लिविंग इन ए रेंटेड हाउस इन पटना, पटना को सर्कल में लो, नॉन मेट्रो, एंड 2,400 रुपया आप पे कर रहे हो पर मंथ रेंट। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ HRA विच इज टैक्सेबल, कितना टैक्सेबल होगा, जरा बढ़िया से समझेंगे जी, आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। आपको यह बात समझ में आ गया कि यह जो 24,000 है वो 3 महीना और 9 महीने का बात है। 3 महीना जो मिला 2,000 रुपया महीना, तो 3 महीने का कितना हो गया, 2,000 × 3 6,000 रुपया, वो तो फुल्ली टैक्सेबल हो गया। एंड 2,000 × 9 18,000 के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, बट हम यहां पर अगर पूरा में से 9 महीने का चीज को अगर हम लेस करते हैं, देखिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, 24,000 ही हम लोग लिखेंगे यहां पर, बट अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने अभी बताया था एक एग्जांपल लेके कि अगर आप अपने घर पे रहते हो तो वो नील हो जाता है, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। तो ये आप समझ रहे हो कि जो 24,000 हमको मिला 12 महीने का, उसमें 3 महीने का 2,000 × 3, मैंने ग्रीन से थोड़ा लाइट लिखा है क्योंकि ये हमको लिख के दिखाना नहीं है, ये 6,000 तो इसमें से एक पार्ट पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया, तो बचा कितना, 2,000 × 9 18,000, तो ये 18,000 के बारे में हम लोग, ये 18,000 कितने महीने का है, 9 मंथ का, तो हम लोग सब कुछ यहां 9 मंथ का करेंगे, यानी यहां पर जो हम लोग करेंगे वो करेंगे 2,000 × इसका मतलब दो अलग अलग नहीं बनाना है, वो एक बन गया, सोच लो पूरा टैक्सेबल हो गया, ठीक है। रेंट पेड कितना करके रेंट पेड कर रहा बोलो, 2,400 × कितने महीने का, 9 मंथ का, 21। अब देखो सैलरी भी जो लेंगे वो हम 9 मंथ का लेंगे, डीए नहीं है तो लिखने का दरकार नहीं है, एंड कमीशन भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 10% ऑफ सैलरी किसका, 1,80,000 का, 18,000 पटना है क्या, 40 लोगों ने 50 लोग 40, तो ये मिटा दिए हम, 40% ऑफ सैलरी ऑफ रुपीज 1,80,000, 1,80,000 का 40%, विच एवर इज लोअर, कम कौन है, तो टैक्सेबल होगा मेरा, ये देखो टैक्सेबल होगा 6,000 तो अलग हो गया, और अगर 18 में से सोच लीजिए माइनस कर रहे हो तो ये टैक्सेबल हो गया, वो 6,000, इससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट 24,000 लिख के यहां पर काम कर दिए, तो 24,000 में से 3,600 चला गया, तो 20,400। तो अब जो हमको आपको इसमें बताना था एक बार कॉपी करो, फिर जो बात हम बताना चाहते हैं उसको एक बार रिपीट करेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि क्लियर हो गया बात, 3 तरह का सवाल हमने आपको करवाया HRA में, 2 सवाल तो जिसमें आप पूरा रह रहे थे, एक जो मैंने आपको दिखाया जिसमें एग्जाम्पल लेके बताया कि अगर आप खुद के घर पे रहते हो तो फुली टैक्सेबल होगा, इसमें आपने देखा कि खुद कुछ दिन अपने घर पे रहे और कुछ दिन भाड़ा पे रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के सवाल में, खाली इतना ध्यान रखना HRA जितना मिलेगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बढ़िया से सुनना, जितना मिलेगा यहां पूरा लिखना, लेकिन ये सारे जो ये 3 कैलकुलेशन है ना, आप जितना दिन रेंटेड हाउस में रह रहे हो उतना ही दिन का कैलकुलेशन करना, अगर यहां पर 9 मंथ आप रेंटेड हाउस में रह रहे, अगर 6 मंथ रहते तो 2,000 × 6 2,400 × 6 उतना ही दिन का रेंट पेड करना पड़ता, तब यहां 10% ऑफ सैलरी 9 मंथ का नहीं लेते, 6 मंथ का लेते, जो आता उसका 40% लेते, अगर मेट्रो सिटी होता तो 50% लेते। क्लियर हो गया, ठीक है जी, पक्का? तो नेक्स्ट टॉपिक
live in catchment.